जैसे कि आप जानते हो, मनुष्य आदिकाल से ही नई जगह और उसके बारे में जानने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहा है। अब हम हमारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करते हैं, जो देश विदेशियों के सैलानियों के अलावा भारत के लोगों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। अब हम भारत के उन 10 पर्यटन स्थलों की बात करते हैं जो लोगों के प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहे हैं। उनमें से 10वें नंबर पर है लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा एक केंद्रशासित प्रदेश है और बाइकिंग के शौकीन लोगों के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो मैग्नेटिक हिल, नुब्रा वैली, हिमेश नेशनल पार्क, शांति स्तूप, खारदुंगला पास, पैगोंग लेक जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं अब हम 9वें नंबर की बात करते हैं। 9वें नंबर पर भारत का धार्मिक स्थल ऋषिकेश है। ऋषिकेश भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर हर वर्ष आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल में राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर, वशिष्ठ गुफा, हरिद्वार जैसे कई पर्यटन स्थल है। इसके बाद हम 8वें नंबर की बात करते हैं। जी हाँ, 8वें नंबर पर अयोध्या। अयोध्या वो धरती है जिस पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। अयोध्या को घाटों और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, गुप्तार घाट आदि प्रमुख स्थल है। अब हम नंबर 7 पर अमृतसर की बात करते हैं। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में ही बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को देखने आते हैं। अमृतसर में घूमने लायक प्रसिद्ध जगहों में गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर, जलियावाला बाग, गुरु का महल दर्शनीय स्थल है। अब हम 6वें नंबर पर वाराणसी अर्थात काशी की बात करते हैं। भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से यह एक माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगर माना जाता है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र हर शाम होने वाली गंगा आरती है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, भारत माता मंदिर, रामनगर किला आदि प्रमुख स्थल है। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी के तौर पर ही नहीं मशहूर है, यहाँ के पर्यटन स्थलों भी इससे मशहूर बनाते हैं। दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार समेत कई पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों को भाते हैं। इसके बाद हम 4थे नंबर पर कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग की खूबसूरती पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। कश्मीर की सुंदरता दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर में गुलमर्ग, डल झील, परी महल, पहलगाम और नागिल झील प्रमुख पर्यटन के केंद्र है। इसके बाद हम 3रे नंबर पर राजस्थान की बात करते हैं। रंगीला राजस्थान की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींचती है। राजस्थान में जयपुर से लेकर जैसलमेर तक और उदयपुर से लेकर माउंट आबू तक खूबसूरत शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक किले तथा यहाँ की झीलें और रेगिस्तान की वादियाँ पर्यटकों को लुभाती है। इसके बाद हम 2रे नंबर पर गोवा की बात करते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गोवा की खूबसूरती किसी विदेशी बीच से कम नहीं है। यहाँ के खूबसूरती समुद्र किनारे दुनिया भर में मशहूर है। वहीं हम नंबर 1 पर आगरा की बात करते हैं। आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है तथा आगरा शहर में स्थित है। यह हमेशा से ही भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इन सभी में आपको सबसे अच्छा पर्यटन स्थल कौन सा लगा, यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।